नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का डिजिटल बुलेटिन और मैं हूं नेहा आपके साथ। चौकाचौंध से भरी आपने बहुत सारी शादियां देखी होगी जिसमें घोड़े हो, लाइटें हो और बैंड बाजे हो और ना जाने क्या क्या हो, लेकिन आज हम एक ऐसी शादी के बारे में बात करेंगे जो अनोखी मिसाल पेश की है। ना इसमें बैंड बाजे थे, ना घोड़े हाथियां थी, सिर्फ इस शादी में था तो गरीबों के लिए ढेर सारा प्यार। और ये शादी है ग्वालियर की IAS अधिकारी की बेटी। ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त के पद पर पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी किशोर कन्याल की बेटी दिव्यांशी का विवाह है। बेटी के शादी को लेकर कन्याल बीते सप्ताह से छुट्टी पर रहे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर एक अनोखी मिसाल पेश की। आपको बता दें, गरीबों को उन्होंने होटल में खाना खिलाया। IAS कन्याल ने शहर के 100 से ज़्यादा बेसहारा लोगों को सिटी सेंटर स्थित एक लग्जरी होटल में ले गए और उन्होंने भोजन कराया। स्वर्ग सदन में रहने वाले इन गरीबों को पहले उन्होंने वस्त्र भेंट किए और फिर उन्हें होटल के डाइनिंग हॉल में बैठाकर खुद अपने हाथों से परोसकर लजीज भोजन कराया। कन्याल द्वारा अपनी बेटी के विवाह के मौके पर अनूठे ढंग से मेहमानों को भोजन पर आमंत्रित करने के इस काम की हर जगह तारीफ हो रही है। वायरल वीडियो में कन्याल अपनी बेटी बेटे के साथ खाना परोसते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को शॉल भी भेंट की। तो सचमुच ग्वालियर के IAS अधिकारी ने अनोखी मिसाल पेश की है। जिस तरह से एक IAS अधिकारी की बेटी की शादी में ना जाने कितने धूमधड़ाके होते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी सिंपल तरीके से किया है, गरीबों के साथ मिलकर। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।